इस वक्त दो महिलाएं हैं, दो और लड़के हैं, चारों 20 अर्ली 20s के हैं। और सबसे पहले दिव्यकृति, आपको और सुदीप्ति, आप दोनों का स्वागत है। दोनों आपके जो मेल पार्टनर्स हैं, सबसे बड़ी बात है कि ये यूनिसेक्सुअल गेम है। चारों ने, आप लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट की है। और आप जब गए, बहुत ही मुश्किलों से आप लोग चारों वहाँ गए थे, कोर्ट केस और फेडरेशन और सिस्टम से लड़ते हुए वहाँ तक जाना, क्या उम्मीद थी कभी, क्योंकि हिस्ट्री नहीं रही है इस गेम में गोल्ड की, आप लोग मन में ये टारगेट था गोल्ड मेडल? सुदीप्ति या सुदीप्ति, दिव्यकृति, गोल्ड मेडल आ गया, ये अपने आप में काफी बड़ी जीत है हमारे लिए कि हमने मेहनत सारी करी थी। और कोई भी किसी भी चीज को तय करने के लिए उसमें काफी सारी रोक टोके तो आती ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और फिर चाहे हमारे जितनी भी कठिनाइयां आई, हमने उसे हर हिम्मत से हम उसके पार आए। और अब हम लाके इंडिया के लिए, कितना बड़ा हिस्टोरिक इवेंट हो चुका है कि इतना वर्ष बाद इंडिया को मेडल आया। आई थिंक तो सारी जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स थी, हमारे जितने भी बैरियर्स थे, अब वो सब वर्थ इट है। क्योंकि अगर आसान भी होती हमारी जर्नी, तो शायद हमको आज उसकी इतनी तुगनी तिगनी खुशी नहीं होती। हम इतना लंबा फासला करके आए हैं, तो अब हमें लग रहा है कि सब कुछ वर्थ इट था। एंड ठीक है, कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना तो पड़ता ही है। लवली, और दिव्यकीर्ति, आपसे जानना चाहेंगे, मतलब सुदीप्ति इंदौर की हैं, लोगों को बताऊं ये, मतलब सिर्फ चार नहीं, आठ लोगों की टीम होती है, चार घुड़सवार हैं और चार उनके घोड़े हैं, और बड़े ही अलग किस्म के नाम है, विदेशी हैं, एमेराल्ड है और चिंस्की है, चारों के। दिव्यकीर्ति, आपके लिए, आपके पिताजी काफ़ी गुस्से में थे, और सबसे बड़ी बात है आपको घर बेचना पड़ा, जो दर्शकों के लिए बताऊं कि इनके घोड़े की कीमत 2 करोड़ से 4 करोड़ रुपए होती है, और चारों के लिए बहुत मुश्किल। दिव्यकीर्ति को तो अपना जो पुश्तैनी घर है वो बेचना पड़ा घोड़ा खरीदने के लिए। दिव्यकीर्ति जी, हर स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में काफ़ी सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती हैं। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये मेरे फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरा सपना भी उनका सपना बनाया। एंड जो भी सैक्रिफाइसेस थे, दे ऑल सीम वेरी वर्थ इट नाउ, क्योंकि वी केम आउट ऑन टॉप एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट्स हैपेंड। और जैसे दिव्यकीर्ति, ये आपके लिए या सुदीप्ति के लिए, एक तो मतलब ये यूनिसेक्सुअल स्पोर्ट में, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई फेवर कर रहा है, लड़कियां अगर कम्पीट कर रही हैं तभी यहाँ आ सकती हैं, और बहुत कम उम्र से आप लोगों को शुरू करना पड़ा, ये 3 साल 6 साल की उम्र से। सुदीप्ति, कितना चैलेंजिंग होता है, मतलब यहाँ से यूरोप में जाके रहना, घर से अलग रहना, घर जो वहाँ पे है वहाँ के कंडीशंस में अडाप्ट करना, फिर घोड़े का ख्याल रखना, एक तरह से पूरी ट्रेनिंग जो है एक तरह आर्मी ट्रेनिंग जैसी होती है। तो चाहे लड़कियां हो या लड़के हो, आई थिंक घर से रहना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कठिनाई है, क्योंकि हम इंडियन फैमिली से हैं, हमारे कल्चर में काफी ही रोज मिलना होता है और फैमिली डिनर्स एंड सब कुछ होता है। वहां जाके आपकी लाइफ एकदम कट ऑफ हो जाती है, आप 24 घंटे सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो कठिनाइयां तो काफी होती हैं अकेले रहने में, कि आप अपना पूरा जो दिनचर्या है, आप घर आके किसी से बात नहीं कर रहे हैं या आपके पास कोई उसको शेयर करने के लिए नहीं है। लेकिन एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, ये कुछ कुछ सफर होते हैं जो हमें ऐसे तय करने ही पड़ते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो कुछ समय का वो संघर्ष होता है जो हम लेते हैं। एंड आई थिंक वो कभी ना कभी हर एक खिलाड़ी को लेना ही पड़ता है, एंड कठिन काफी होता है, बिकॉज वहाँ खाना और सब पूरा एक तरीके से आपको घर गृहस्थी अपनी खुद ही चलानी है, तो वो आसान काम तो नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम वहाँ रह रहे हैं अब इतने साल से, हम सबको भी हम सीख गए हैं, और हम उसको अब उस चीज को अब हम इतना माइंड नहीं करते हैं, हमें बुरा लगता है, लेकिन अब कुछ करना है हमें जीवन में, तो अब उसके लिए ये एक और चीज है जो हम सफर तय करते हैं। अच्छा दिव्यकीर्ति, आप लोगों ने जो ये किया है, एक ऐतिहासिक कारनामा है, चारों ने आपने जो किया है, आप एशिया में नंबर 1 भी हैं दिव्यकीर्ति, वर्ल्ड में नंबर 14 आपकी रैंक बताई जा रही है। फवाद ने पिछले ओलंपिक्स में बहुत ही चौंकाया था सबको, जो फैंस है इस गेम के, और बहुत क्लोज पहुंचे थे, क्या यहाँ से पेरिस बहुत दूर है, या आपको लगता है कि अगर ये हासिल हो सकता है तो वो भी हो सकता है? जी, जो हमारे वर्ल्ड रैंकिंग थी FAI ने जो रिलीज की थी, उससे मैं बिगनिंग ऑफ 2023 में एशिया में नंबर 1 एंड वर्ल्ड में 14 थी। एंड पेरिस ओलंपिक्स में हमारे टीम के खिलाड़ी जिन्होंने कल ही इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल जीता, मिस्टर अनुष अग्रवाल, वो ट्राई कर रहे हैं, एंड
and we are very very positive that he will come out on top. And for all of us, I think equestrian ke liye bahut bright future hai ahead. And agar hamare ko right support, right backing, aur hamare bahut incredible trainers hain, agar aapne dekh liya hum itne saal baad goal lekar aaye, to agar right support hua aur aise hi chalte rahe, to equestrian ka, Indian equestrian ka future bahut bright hai. बहुत ब्राइट है, ये लड़कियां बहुत पॉजिटिव हैं. लेकिन बड़ी बात है इन लोगों के लिए, न सिर्फ बाहर विदेश में रहना पड़ता है, विदेशी घोड़ा इनको हायर करना पड़ता है या कई बार खरीदना पड़ता है, 2 करोड़ से 4 करोड़ जिसकी कीमत होती है, इनके ट्रेनर्स बहुत महंगे होते हैं, तो काफ़ी महंगा स्पोर्ट है. और सिर्फ जैसे देवीकीर्ति के पिताजी कह रहे थे, सिर्फ फ्लैग का पैशन है कि तिरंगे को ऊपर जाता हुए देखे, उस पैशन के बगैर यहाँ तक पहुँचना, इतने साल 5-5, 6-6 साल यूरोप में, अमेरिका में ट्रेनिंग करना, ये आसान नहीं होता है. सुदीप्ति, आपके दोस्त जो बाकी जो दोनों दोस्त हैं टेक्निकल वजहों से शामिल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उनके चैलेंजेस के बारे में बताएं आप लोग दोनों. सुदीप्ति आप बताएं दोनों के बारे में. हम चारों के चैलेंजेस काफी सिमिलर रहे हैं. अनुज जो है वो भी यहाँ पे पिछले 7 वर्ष से जर्मनी में वो ट्रेनिंग कर रहे हैं. एंड जो हृदय है वो भी पिछले काफी सालों से, कभी वो लंदन थे, कभी वो हॉलैंड होते हैं और कभी वो फ्रांस में ट्रेनिंग करते हैं. एंड कंसेक्यूटिवली हम चारों के, जो हम बाहर रहे, इतना घर से अलग रहे हैं, और हर महीने कंपटीशन करना, घोड़ों का ख्याल रखना, ये अपने आप में काफी बड़ा प्रोजेक्ट होता है. हम छोटे से छोटा शो जाए या बड़े से बड़ा शो जाए, कोई इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, हॉर्स शो हो, आई थिंक वो एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट होता है. पूरी प्रेपरेशन करना घोड़े की, उनको लेके जाना और सारे उनके ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट करना, ये अपने आप में काफी बड़ा काम है. बिल्कुल बड़ा काम है, और इस एशियाड में शायद अब तक का सबसे बड़ा, मतलब वैसे तो सारे गोल्ड मेडल एक जैसे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि एशियन गेम्स की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है जब ड्रेसाज में मेडल जीता, और 41 साल बाद हमने घुड़सवारी में गोल्ड मेडल जीता है. और चारों जो घुड़सवार हैं, चारों जो सूरमा हैं, चाइना से सीधे हांगझोऊ से एनडीटीवी के दर्शकों के लिए जुड़ रहे हैं, और सुदीप्ति हैं, हृदय हैं, अनुष हैं और दिव्यकीर्ति हैं, ये चारों हमारे साथ हैं. आप चारों का बेहद स्वागत है. सुदीप्ति से अभी हमारी बातचीत हो रही थी. हृदय, सबसे पहले आप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है, और अभी आप सिर्फ 25 साल के हैं और कई लोगों को आप ट्रेन भी करते हैं. चैलेंजेस ऑफ कोर्स इंडिया से, इंडिया में स्पोर्ट ज्यादा जानकारी नहीं है लोगों को, और सपोर्ट आना थोड़ा मुश्किल है. बाकी कभी स्पोर्ट्स में जैसे क्रिकेट होते, इट्स इजी, मच मोर वेल नोन, और स्पोर्ट को मच ज्यादा सपोर्ट मिलती है सब सभी एंटिटीज से और गवर्नमेंट से. अभी आई होप कि ये मेडल लाने के बाद हमारा भी सपोर्ट थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा. और या चैलेंजेस है कि हमको बाहर रहना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए, एंड या इट्स अ टफ स्पोर्ट. एंड अच्छा अनुष, आपके लिए अवे एंड ट्रेन हार्ड. एंड बिल्कुल अनुष, आपने 2 मेडल जीता, एक तो गोल्ड जीता, एक इंडिविजुअल में सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये बहुत बहुत बड़ी बात है. कहाँ तो हम एक मेडल की सोच रहे थे, और जैसा हृदय कह रहे हैं कि उम्मीद करते हैं कि चेंज आएगा. आपने 3 साल की उम्र से शुरू कर दिया, सिर्फ पैशन है जिसकी वजह से आप एशियन गेम्स में जा पाए, क्योंकि बहुत सारा चैलेंजेस था कोर्ट से लेके और कोर्स तक जाना. जैसे हृदय ने कहा, इक्वेशन हमारे इंडिया में स्पेशली ड्रेसाज इज नॉट दैट बिग ऑफ अ स्पोर्ट. नॉट मैनी, इट्स नॉट अ वेरी, इट्स नॉट अ स्पोर्ट एट द मोमेंट इन इंडिया दैट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ ऑडियंस. एंड इट इज अ बिग चैलेंज बिकॉज नॉट एवरीबडी नोज अबाउट द स्पोर्ट. सो वेन, जब शुरुआत में हमने कहा, मैं कहता था कि मैं घोड़े चलाता हूँ, ड्रेसाज करता हूँ, सब पूछते थे पहला बात, तो ड्रेसाज होती क्या है. So that's the level of knowledge about the sport, which is very sad. But I also think that ये जो हमने medal जीता, हम सब ने team gold जो जीता, and उसके बाद कल जो मेरा bronze आया, I think इसके through already काफी awareness बढ़ चुकी है, and I think अगले सालों में और awareness बढ़ेगी. I think इसके इससे लोगों को पता भी चलेगा कि बहुतों को लगता है कि ड्रेसाज में, क्योंकि हम इंडिया से है, इट्स नॉट पॉसिबल. आई थिंक दिस शोज एवरीवन कि ऐसा कोई बात नहीं है. सुदीप्ति ये भी बता रहे थे,
अगर यहाँ से, क्योंकि यहाँ अपने आप में हिस्ट्री भी है और सरप्राइज ले लो, क्या पेरिस में इक्वेस्ट्रियन से भारतीय फैन सरप्राइज हो सकते हैं, मेडल के क्लोज हम जा सकते हैं? सर, दैट विल बी योर ड्रीम। आई विल गिव माय बेस्ट, एंड अगर वो होती है तो फिर बहुत बढ़िया बात। आई फील दैट इंडिया इज गुड इनफ टू कम्पीट एट एवरी लेवल। ओलंपिक्स इज द हाईएस्ट लेवल। आई थिंक इंडिया इज गुड इनफ टू कम्पीट देयर, एंड वी विल सी हाउ द जर्नी गोज।